हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दूं, चावला कॉलोनी में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसको लेकर शव को परिवार बी के मोर्चरी पहुंचा। आपको बता दूं कि एक स्कूटी पे महिला दो बच्चियां जा रही थी, अब पीछे से एक डंपर ड्राइवर आता है और उसमें टक्कर मार देता है, जिससे बच्ची और महिला घायल हो जाती है और जो बच्ची होती है उसकी मौके वारदात पर मृत्यु हो जाती है। परिवार जन हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा, कैसे एक्सीडेंट हुआ था और अभी इस समय बच्चों की क्या हालत है। मेरा नाम दिनेश मंगला है। क्या हुआ? मैं तो अपने ऑफिस में था, बाकी जो है इन बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्कूल से लेने गई थी और वापसी में जब बच्चों को लेके आ रही थी तो वहाँ पर 100 फुट रोड चावला कॉलोनी में एक पानी का कैंटर था, उसने इन दोनों को टक्कर मार दी, तीनों को ही स्कूटी में। टक्कर लगने से तीनों के वहीं पर गिर गए थे और ये बच्ची जिया बेहोश हो गई थी वहीं पर ही। भीड़ ने उन दोनों को पकड़ लिया, कैंटर वालों को, और पुलिस के हवाले कर दिया है। और जो कहाँ से आ रही थी? स्कूल से। क्या उम्र थी? 1 की 7 साल है, 1 की 5 साल है। आज जो एक्सपायर हुई बच्ची क्या उम्र थी? 7 साल। 7 साल जी। 5 साल की बच्ची? नहीं, 5 साल की बच्ची सेफ है, वो अपने घर पे है। घायल है मतलब? नहीं, चोट नहीं है, वो सेफ है। हाँ, और माँ के घायल है, उसके पैर में भी चोट है और 1-2 इंटरनल इंजरी है, उनका हॉस्पिटल SFC में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो टक्कर सर कैसे, मतलब पीछे से अचानक से टक्कर लगी? हम क्रॉस टक्कर लगी है, वो उधर रोड क्रॉस कर रही थी, उधर से डंपर जो बता रहे हैं कि वो तेज स्पीड में आ रहा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसने टक्कर मार दी। तो डंपर ड्राइवर पकड़ा गया? जी। इस समय कहाँ पे है? चौकी में, बल्लभगढ़ चौकी में। क्या मतलब ड्राइवर की क्या उम्र थी? कोई डंपर का मेरे को आइडिया नहीं है। डंपर का कोई नंबर? नंबर पुलिस वालों के पास है, डंपर भी बंद है। जी। चावला कॉलोनी में? जी, चावला कॉलोनी में। जब बच्ची का एक्सीडेंट हुआ तो बच्ची की मौके पर भी मृत्यु हो गई? बेहोश हो गई थी जी, हमें नहीं पता इस चीज के बारे में, लेकिन जब अस्पताल लेके आए थे तो डॉक्टर ने उसको डेड घोषित कर दिया था। कौन से स्कूल में? सरस्वती शिशु सदन है चावला कॉलोनी के अंदर, उसमें थी। हाँ जी। 7 साल की? जी। नाम क्या था बच्ची? जिया। और जो माता जी? उनका पूनम। जो एक्सपायर हुए उनका नाम? जिया। तो अभी आप यहाँ डंपर ड्राइवर मतलब ऐसा कोई की ड्रिंक कर रखी हो या फिर ऐसा? असल में मैंने नहीं देखा है उनको, क्योंकि जब मौका हुआ था तो मेरे को सीधी खबर लगी थी, मैं ऑफिस में था अपने, और मैं वहाँ से सीधा ही अस्पताल निकल आया था। बीके ही सीधा बीके लेके? नहीं, SSB में लेके गए थे बच्चे को, वहाँ पर उन्होंने डेड घोषित कर दिया, तो पुलिस कार्रवाई के दौरान पोस्टमार्टम के लिए हम बीके में लाए हैं। आप सारे परिवार से? परिवार में वहाँ पर मेरा छोटा भाई बैठा है, पंकज है। अच्छा, उनके फादर साहब हैं? फादर घर पे भेज दिया है उनको। जी। आप सारे? हाँ। चावला कॉलोनी पे? पथवारी मंदिर के सामने, श्याम कॉलोनी, गली नंबर 3, मकान नंबर FCA 72। ये एक्सीडेंट चावला 100 फुट रेड 100 फुट रोड पोस्ट ऑफिस के पास। तो देख सकते हैं आप, जो चावला कॉलोनी 100 फुट रोड पोस्ट ऑफिस के बाहर जो ये एक्सीडेंट हुआ है, जहां महिला अपनी दो बच्चों को स्कूल से लेकर आती है, जिसमें से एक बच्ची की उम्र 7 साल है और एक की 5 साल, जिसमें से जो 7 साल की बच्ची है उसकी एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, और वहीं महिला जो माता है उनकी वो भी घायल है। जहाँ छोटी बच्ची 5 साल की, वो सुरक्षित है, वो घर पे है, और जो डंपर ड्राइवर था जिसने टक्कर मारी वो भी अभी पकड़ा गया है और चौकी में उसे भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं इस समय जो है बीके मोर्चरी पे मौजूद है और चावला कॉलोनी का ये मामला है, जहाँ 100 फुट रोड पर ये बड़ी घटना हुई है, जहाँ 7 साल की बच्ची जो है एक्सपायर हो गई है और इस समय बीके मोर्चरी पे है। और पुलिस प्रशासन भी जो अगर बातचीत करना चाहें, अगर ऐसे हादसे कहीं एक्सीडेंट के मामले बहुत सारे सामने आते हैं कि ओवरटेक करने की वजह से या क्रॉस करने की वजह से काफ़ी हादसे ऐसे हो जाते हैं जहां कोई एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है, वहीं 1-7 साल की बच्ची ने अपनी जान गंवा दी और इस समय वो इस दुनिया में नहीं है। और जो महिला है, आप फिर से बता दूँ, मामला चावला कॉलोनी का है, 100 फुट रोड पर ही एक्सीडेंट हुआ है और इस समय जो 1-7 साल की बच्ची है वो इस दुनिया में नहीं है। एक महिला अपने बेटी को, दोनों बेटियों को स्कूल से लेके आ रही थी, वहीं पीछे से टक्कर डंपर ड्राइवर के द्वारा एक टक्कर मारी जाती है और ये एक्सीडेंट हो जाता है। बताया जा रहा डंपर ड्राइवर जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, लेकिन इस समय जो
वहाँ पे भीड़ जुटने की वजह से जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे भीड़ जुटी और ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया और डंपर भी जो है इस समय पुलिस के कब्जे में है। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटीजन 100। नमस्कार।